अगर आप तमिलनाडु में कोडाईकनाल घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रेवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अनलॉक 4 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट बस सर्विस और ट्रेन की सुविधा पब्लिक के लिए ओपन कर दी है। अभी तक ये सुविधा ओपन नहीं थी, लेकिन 7 सितंबर से अनलॉक 4 में ये सुविधा पब्लिक के लिए ओपन हो गई है। इसके साथ ही कोडाईकनाल की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उन्होंने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो कोडाईकनाल के टूरिज्म स्पॉट्स हैं उसको ओपन करने की परमिशन दी जाए, जिससे जो ऑल ओवर इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर आ सकें और जो टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उसको इंजॉय कर पाएँ। तो यही रिक्वेस्ट के बाद में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी सिर्फ 3 टूरिज़्म स्पॉट्स को ओपन करने की परमिशन दी है कोडाईकनाल में। उसमें है रोज़ गार्डन, बैरियाड पार्क और चेटियार पार्क। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वाइड एरिया है, पार्क है, तो इजीली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सकती है। बाकी जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं जैसे कि वैली व्यू, बेरजम लेक, ये सब अभी बंद हैं। अगर आपको कोडाईकनाल घूमने के लिए जाना है तो अभी आपको सिर्फ 3 स्पॉट्स ही ओपन मिलेंगे, बाकी सारे जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं वो क्लोज हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो आपको तीनों स्पॉट्स में खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। जो अभी तक कैंटीन वगैरह होती थी वो सब कोरोना वायरस की वजह से बंद है, तो आपको वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं तो आप अपना सामान पहले से लेकर जाइए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप कोडाईकनाल जाते हैं या ऊटी जाते हैं, तो आपको एज अ टूरिस्ट अगर आप अदर स्टेट से वहाँ जाते हैं तो आपको ई पास के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ही आप वहाँ जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। तो ये थी तमिलनाडु टूरिज्म से जुड़ी कुछ अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर देना, उनके साथ में शेयर करना जो तमिलनाडु घूमने के लिए जाना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।